एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, ये जो वीडियो है ना, ये मंडे का शुरू है। तो फाइनली जो गर्मियों की छुट्टियां थी वो हो चुकी है ख़त्म। मम्मियों की सुबह की 5 बजे की ड्यूटी हो गई है शुरू। तो ये सुबह के 5:30 से 6:45 का ये टाइम है और बस मैं आ गई हूँ किचन में जल्दी से, क्योंकि बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है। आज बच्चों का पहला दिन है, मतलब कि छुट्टी के बाद जो फर्स्ट डे स्कूल जाना है उनको। तो क्योंकि आज फर्स्ट डे है, तो फिर मैं सोच रही थी कि बच्चों की पसंद के पनीर के पराठे उनके लिए बनाऊं। आज बच्चे थोड़ा सा उठने में जो है आनाकानी भी करेंगे, मुझे पता था कि इस एक महीने में बच्चों का रूटीन भी ख़राब हुआ है और मेरा भी ख़राब हुआ है, और शायद मेरी तरह बहुत सारी मम्मियाँ होंगी जिनका थोड़ा बहुत रूटीन जो है इधर से उधर हुआ होगा। तो किन किन का रूटीन इधर से उधर हुआ है ज़रूर बताना कॉमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बात करती हूँ कि सुबह जब मैं उठी थी तो मुझे खुद से ही उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बट फिर भी मैं किसी तरीके से उठ गई, क्योंकि ना मुझे ना टेंशन हो रही थी। एक दिन पहले जब मैं सोई थी तो मेरी नींद बहुत टूट रही थी रात को, कि मुझे नेक्स्ट डे कहीं लेट ना हो जाए बच्चों के लिए। तो होता है ना, अभी एक दो दिन लगातार उठेंगे तो फिर तो एक आदत सी बन जाएगी, लेकिन बहुत दिनों बाद उठ रही थी तो बहुत बार आंखें जो है खुली रात को, इस वजह से सुबह भी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उठने में। और बस उठ के आई हूँ किचन में और जल्दी से यहाँ पर पनीर मैंने ग्रेट कर लिया है, आटा जो है गूंद लिया है, और बाकी बच्चों के लिए जो भी सामान था पनीर वगैरह मैंने रात को ही जो मिल्क बास्केट है उससे ऑर्डर कर लिया था। तो बस यहाँ पर जो है मैंने पनीर में सारे मसाले जो है ऐड कर दिए हैं। बाकी आप लोगों को पता ही है कि बहुत ज़्यादा इसमें मैं तामझाम नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ फ़िलहाल तो। और हाँ, आज जो है बच्चों के पापा को भी ऑफिस जाना है, तो मतलब बच्चे भी घर पे नहीं रहेंगे, बच्चों के पापा भी ऑफिस, तो सबका काम है, उनके लिए भी जो है मुझे टिफ़िन तैयार करना है। लेकिन क्योंकि बच्चों की टाइमिंग थोड़ा सा जल्दी है तो इसलिए पहले उन्हीं का टिफ़िन तैयार होगा। तो बस यहाँ पर मैंने जो है अच्छे से आटे को एक बार और गूंद दिया था, तो आटा जो है अच्छे से सेट हो गया है। अभी मैं गर्मा गर्म पराठे बना दूंगी बच्चों के लिए, तो टिफ़िन के लिए भी बनाऊंगी और जो थोड़ा बहुत वो घर में खा के जाएंगे वो भी बनाऊंगी। इस बीच ना मैं एक बार जो है चली गई थी बच्चों को उठाने के लिए, तो आज तो सवाल ही नहीं उठता कि बच्चे एक आवाज़ में उठ जाते, तो फिर मुझे 2-3 बार जाना पड़ा। और उठते हुए बच्चों को मतलब ऐसा लगा कि मम्मा क्यों उठा रहे हो इतनी जल्दी, फिर वही था कि नहीं फर्स्ट डे है स्कूल तो जाना ही है। तो वंशिका उठ गई थी, लेकिन वेदांश थोड़ा सा ना रो रहा था सुबह, लेकिन फिर थोड़ी बहुत देर में जब उसने सुना कि उसका फेवरेट पनीर का पराठा बन रहा है तो वो खुश हो गया। तो इसी वजह से मैंने पनीर के पराठे बनाए थे कि वैसे उठे ना उठे, लेकिन जब बच्चे देखेंगे कि नाश्ता उनकी पसंद का है तो वो ज़रूर से उठ जाएंगे जल्दी। तो बस देखें, यहाँ पर मैंने गर्मा गर्म पराठे जो है ना वो सेक लिए हैं, और वंशिका उठ गई थी तो वो कर रही है अपने शूज़ में पॉलिश। तो क्योंकि मैंने बच्चों को थोड़ा सा जल्दी ही उठा दिया था ताकि उनके पास इतना टाइम रहे कि वो जो उनके पेंडिंग काम है वो कर लें, तो उसमें सबसे पहला काम यही था कि उन्होंने अपने जूते जो है वो पॉलिश नहीं किए थे। तो यहाँ पर वंशिका तब तक अपने शूज़ पॉलिश कर रही थी, इतनी देर में विनाश जो है नहा रहा था। तो इसी तरीके से काम होते हैं। और बस यहाँ पर मैंने जो है बच्चों का टिफ़िन अब लगाना शुरू कर दिया है, तो नाश्ता मतलब बना दिया था मैंने, पराठे वगैरह बना दिए थे, बस बच्चों के अभी टिफ़िन में मुझे पैक करने रहते हैं। और साथ में ना मैंने मिल्क बास्केट से फ्रूट भी ऑर्डर कराया था, तो मतलब मैंने सिर्फ केले ही ऑर्डर कराए थे फ़िलहाल, क्योंकि आम वगैरह उससे मंगवाओ ना तो कम आते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी जो मिल रहा है ना, क्योंकि फ्रूट ब्रेक के लिए फ्रूट ले जाना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं वही मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए वंशिका के लिए दही पैक कर दी है, पराठे, और साथ में ना एक दिन पहले भाई ने बाहर से अपने लिए खाना ऑर्डर कराया था, तो उसमें ना गुलाब जामुन आए थे 2, मतलब पैक होके आए थे 2 अलग अलग बॉक्स में, तो मैंने एक बॉक्स वंशिका के लिए रख दिया है, उसको गुलाब जामुन बहुत पसंद है। वेदांश ने बोला कि मैं घर आके खाऊंगा, तो फिर मैंने उसके लिए पैक नहीं किए। तो यहाँ पर दोनों बच्चे हो चुके हैं रेडी, अभी बस मैं इनके बाल बना दूंगी और वेदांश तब तक अपना नाश्ता कर रहा है, वंशिका नाश्ता कर चुकी है। अब दोनों बच्चे निकल जाएंगे अपने स्कूल के लिए, और आज बच्चों ने बोला था क्योंकि मामा घर पे है तो मामा ही स्कूल छोड़ने जाएंगे, मतलब कि बस स्टॉप तक छोड़ने जाएंगे, पापा को नहीं उठाएंगे हम लोग। तो इन्होंने किया भी वही, अपने मामा को उठाया, और मामा को क्योंकि सुबह उठने की आदत है तो वो ईजिली उठ भी गया। तो यहाँ पर देखिए वंशिका तो पहले ही निकल जाती है बैग लेके ताकि बस ना छूटे, और मैं उसको थोड़ा सा पहले भी भेज देती हूँ कि ताकि वो ना थोड़ा सा जो है ना बस को रोक के रखेगी अगर बाई चांस बस पहले भी आ गई तो। इधर बच्चे निकल गए हैं स्कूल के लिए, फिर भाई आया, भाई ने चढ़ाई एक तरफ चाय और मैं एक तरफ जो है सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अब बारी है वंशिका के पापा के टिफ़िन के लिए और साथ में हम सबके नाश्ते के लिए सब्जी बनाने की।
तो मैं बनाऊंगी मिक्स वेज। तो बस यहाँ पर मैंने एक प्याज जो है चॉप कर लिया था और एक लहसुन, मतलब लहसुन की कुछ कलियाँ, उसको ऑयल में अच्छे से जो है भून रही हूँ मैं। इससे पहले मैंने जीरा और हींग भी ऐड कर दी थी। साथ में मैंने इसमें जो मिक्स वेज होती है, मतलब कि बीन्स थी, थोड़ी सी गाजर थी, थोड़ी सी मटर थी, और सारी चीज़ों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एक तेज़पत्ता भी मैंने डाल दिया था खुशबू के लिए। बाद अब इसमें ऐड करेंगे जो भी सूखे मसाले होते हैं वो, और इसको मिक्स करेंगे। आयरन की कढ़ाई में सब्ज़ी बना रही हूँ तो अभी टमाटर नहीं ऐड करूँगी, बाद में ऐड करूँगी। तो बस इसको मिक्स कर देंगे और इसको ढक के इसको पकने देंगे थोड़ी देर। ना थोड़े से टमाटर, हरी मिर्च और कुछ काजू पीसे थे ताकि टेस्ट अच्छा आए मिक्स वेज में। और इस सब्ज़ी में ना बीच में थोड़ा सा गैप कर दिया और वो जो भी मैंने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ढक दूंगी और अच्छे से तब तक पकने देंगे जब तक कि इसमें से जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तो देखिए बहुत अच्छे से सब्ज़ी पक चुकी थी। लास्ट में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पनीर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो बस यहाँ पर जो है हमारी मिक्स वेज बनके बिल्कुल तैयार है। और इसको मैंने साथ के साथ ही जो है ना ट्रांसफ़र कर लिया था एक अलग बाउल में ताकि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा काली ना हो। कसूरी मेथी के साथ मैंने ऐड किया है सब्ज़ी का। इस तरीके से बना के देखिएगा, मिक्स वेज बहुत अच्छी बनती है एकदम, मतलब वो जो शादी पार्टी वाली मिक्स वेज होती है ना वो। तो यहाँ पर मैं फटाफट से रोटियाँ बनाऊँगी क्योंकि अभी वंशिका के पापा और हम सब लोग तो रोटी ही खाएंगे, पराठे कोई नहीं खाने वाला है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस मैं सबके लिए जो है नाश्ता बना के रख दूँगी ताकि बार बार जो है किचन में ना आना पड़े। और जब तक मैं नाश्ता बना रही थी उतनी देर में सब लोग जो है उठ ही गए थे, तो जल्दी से नाश्ता वगैरह मैंने सबको करवा दिया था और किचन के काम से मैं थोड़ा सा जल्दी फ्री हो गई थी। जो भी कहो, जो सुबह वाला रूटीन होता है उठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था ना आज, इतना सारा टाइम था काम करने के लिए, फटाफट से सारे काम निपट गए घर के और बहुत सारा टाइम खुद के लिए भी मिल गया था। अब मैं आई हूँ रूम पे, तो बस जल्दी से मैं रूम की जो है क्लीनिंग करूँगी और साथ ही साथ पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी। तो इसी रूम में हम सब लोग सोते हैं तो बस यहीं पर जो है थोड़ा सा मैस ज़्यादा होता है। ब्लैंकेट्स वगैरह मैंने फोल्ड कर दिए हैं, साथ में ये वाले रूम की जो बेडशीट है उसको भी मुझे चेंज करना है। तो बेडशीट आज एक ही रूम की चेंज करूंगी, दूसरे रूम की नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो यूज़ अभी नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने बेडशीट बिछा दी है और उसके बाद बारी आती है पूरे घर में झाड़ू लगाने की। और कपड़े इतने सारे हो रहे हैं और उसका रीज़न ये है कि हम लोग घूमने गए थे 2-3 दिन के लिए, तो वहाँ तो कपड़े धोने का सवाल ही नहीं उठता जहाँ पर हम लोग घूमने गए थे। तो इतने सारे कपड़े हो गए थे ना, तो धीरे धीरे करके आज मशीन भी लगाना है मुझे। उससे पहले मुझे आज बालकनी में जितने भी हमारे प्लांट्स लगे हैं उसमें पानी डालना है और साथ में जितनी भी बालकनी है वो मुझे वॉश करनी है। तो हम जब गए थे तो हमारे पीछे जो है बारिश हुई थी, तो बारिश से जो है बालकनी में जितने भी प्लांट्स होते हैं ना उनमें जो है पानी आराम से चला जाता है, तो पौधों को कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी धूप आ गई है तो इसीलिए मैंने जो है प्लांट्स में पानी डाल दिया है। ये काम अगर मैं वंशिका के पापा के लिए बचा के रखती ना तो वो पानी तो डालते लेकिन साथ में मेरी पूरी मेहनत पे भी पानी फेर देते, क्योंकि वो कर देते बालकनी सारी गंदी और फिर मैं यही नहीं चाह रही थी। तो इसीलिए मैंने जो है बालकनी को वॉश करते करते ही प्लांट्स में सारा पानी भी डाल दिया। बैल्कनी वॉश करती हूँ ना तो मैं क्या करती हूँ, जो मैजिक मॉप होता है ना उससे भी अच्छे से पोछा लगा देती हूँ ताकि बैल्कनी सूख जाए। तो हाथ के हाथ बैल्कनी सूख जाती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और फिर क्या होता है ना कि एक अच्छी सी चमक आ जाती है, तो इस वजह से ये काम मेरा ज़रूर रहता है। तो देखिए अभी मैं अपनी दूसरी वाली बैल्कनी में आई हूँ और यहाँ पर भी मैं अच्छे से पूरा जो बैल्कनी का फर्श है उसको क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद मेरा ये एक सबसे मेहनत और सबसे बड़ा काम लगता है मुझे, मेहनत वाला इसलिए बोलूँगी क्योंकि धूप लगती है इस टाइम पे इस वजह से। तो ये वाला काम मेरा हो गया है, उसके बाद बारी आती है पूरे घर में पोछा लगाने की। तो बस मैजिक मॉप की हेल्प से मैं लगाऊंगी पूरे घर में पोछा। और भाई लग गया है सुबह सुबह गेम खेलने में, तो इसका यही रहता है, मतलब अपना काम भी करता रहता है साथ में जो इसका गेम है वो भी चलता रहता है। उसके
उसके बाद नहा धो के मैं आई हूँ और बैल्कनी में देखिए आप इतने सारे कपड़े थे। इससे पहले दो लॉट मैं लगा चुकी थी और बाहर जो है ना मैं धीरे धीरे कपड़े डाल भी रही थी और फिर जो सूख रहे थे कपड़े उनको मैं अंदर भी लेकर आ रही थी क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे और जगह कम थी। स्टैंड में भी सुखाए, बैल्कनी में भी सुखाए, उसके बाद भी कपड़े इतने सारे बचे हुए थे। तो बस यहाँ पर एक लॉट और धुल चुका है तो वो मैंने जो है निकाल दिया है बास्केट में और दूसरा एक और लॉट मैंने लगा दिया है। अभी चलते हैं बैल्कनी की तरफ और देखिए फिर से कपड़े सुखा दिए हैं ताकि जल्दी से सारे कपड़े सूख जाए। अभी अपने किचन का छोटा मोटा सा काम जो है वो निपटाऊंगी, बर्तन वगैरह अरेंज करूंगी और इसी के साथ इस वाले वीडियो का भी मैं एंड करूंगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।